उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सनकी बेटे ने अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी माँ और नाना पर भी जानलेवा हमला किया और फिर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। आरोपी के छोटे भाई ने बताया कि हमला करते हुए आरोपी बार बार कहता रहा कि तुम लोग जीकर क्या करोगे, यहाँ क्या रखा है। वही पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके के रतनलाल गुजैनी सी ब्लॉक की ये घटना है। यहाँ के रहने वाले जीत कुमार शुक्ला ट्रांसपोर्ट नगर में ठेकेदारी का काम करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुमन, दो बेटे निखिल और अखिल के साथ सुमन के पिता राम भरोसे अवस्थी रहते थे। आरोपी निखिल के छोटे भाई अखिल ने बताया कि सुबह 5 बजे के आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद खुल गई। अखिल ने देखा कि उनके बड़े भाई निखिल नाना को रॉड से मार रहे थे। अखिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन निखिल की आंखों में खून सवार था। वह बार बार कह रहा था कि तुम लोग जी कर क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं रखा है। इसके बाद अखिल ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे अपने पिता को बुलाने पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पिता पहले ही खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इसके बाद अखिल भागकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, जहां निखिल नाना और माँ पर हमलावर था। जैसे तैसे अखिल ने नाना और माँ की जान बचाई। निखिल इसके बाद फरार हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर जुट गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस ने घायल राम भरोसे और सुमन को अस्पताल पहुंचाया। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने आरोपी निखिल को दबोच लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 25 जुलाई 2022 को प्रातः थाना गोविंद नगर पर सूचना प्राप्त हुई की थाना घाटमपुर के मूल निवासी श्री जी शुक्ला, पुत्र स्वर्गीय अवध बिहारी शुक्ला, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, जो वर्तमान में सी ब्लॉक गुजैनी थाना गोविंद नगर में अपने ससुर, पत्नी व दो पुत्रों के साथ निवास कर रहे हैं। उनका पुत्र निखिल जो नशे का आदि है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और जिसको उन्होंने लगभग 6 माह से बाहर जाने से रोक रखा था, उसने आज प्रातः 4 बजे अपने पिता श्रीजीत शुक्ला की सर पर सरिये से वार कर तथा चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा अपने नाना श्री राम भरोसे अवस्थी पर भी सरिये से वार कर दिया। शोर सुनकर निखिल की मां सुमन व भाई अखिल भी मौके पर आ गए, जिन्होंने श्री राम भरोसे को बचाया। मौके से निखिल भाग गया। मृतक के शव को पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा घायल को मेडिकल परीक्षण हेतु तथा उपचार हेतु हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। दोनों घायल खतरे से बाहर हैं। मृतक के पुत्र अखिल की तहरीर पर मुकदमा पर संख्या 390/22 अंतर्गत धारा 302 307 IPC पंजीकृत कराया जा चुका है तथा अभियुक्त की तलाश में टीवी रवाना करी जा चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।